चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक लड़की एक ब्रिज से जमकर देती है, मर्न सुसाइड कर लेती है। हम देख पाते हैं वही लड़की फिर से बच चुकी है। तभी उस लड़की को हॉस्पिटल में ले जा रहा होता है एक हॉस्पिटल वैन में। तभी हम देख पाते हैं कुछ डॉक्टर बात कर रहे होते, कह रहे होते ये लड़की लेवल 2 की एस्पर है। तभी हम देख पाते हैं वही लड़की अपनी आंखें खोलती है और कहती है, लगता है मैं नहीं मरा, क्या है क्या है, मैं क्यों नहीं मरा, ऐसे कहने लगता है। तभी वो जो डॉक्टर थे वो कह रहे होते हैं, ये तो बहुत ही बुरी है, हमें इसे मार देना चाहिए। तभी वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं और कह रहे होते, एक डॉक्टर उनमें से कहता है, अगर हम इसे ऐसे ऐसे ही मार देंगे तो पोस्टमार्टम में तो हम पकड़े जाएंगे। फिर दूसरा डॉक्टर कह रहा होता है, हम रिवर का पानी का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे ये डूब के मर गई। और तभी हम देख पाते उस लड़के को मार दिया गया होता है। तभी हम देख पाते हैं कुछ पुलिस के ऑफिसर्स एक लड़की को ढूंढने के लिए एक हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो लड़की थी वो पुलिस ऑफिसर से लड़ने लगती है और उनको चकमा दे के एक कमरे में घुस जाता है। वो कमरा किसी और का नहीं, हमारे प्रोटैगनिस्ट एक्सेलरेटर का होता है। तभी हम देख पाते हैं वहीं पे वो लड़की कहने लगती है, क्या तुमने इस लड़के को देखा, लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है कुछ नहीं कहता। तभी अचानक से वहाँ पे पुलिस आ जाती है और अपने जो स्टिंग गन है उसका इस्तेमाल करके लड़की को बेहोश कर देती है और उसे लेके जाती है। और अपने और हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए सर, और हमारा कोर्ट पर हमारे साथ देने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन जो हमारा एक्सेलरेटर है कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ से पुलिस चली जाती है। तभी हम देख पाते हैं उसी लड़की को जिसे पकड़ा गया होता है, उसे बांध के रखा गया होता है। तभी जो पुलिस ऑफिसर हुए वो कह रहा होता है, लगता है हमने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम्हें हमारे बॉस के पास लेके चलेंगे। तभी हम देख पाते हैं जैसे ही वो लेके जाने वाले होते हैं वैन में उस लड़की को, तभी हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उनके वैन के सामने आ जाता है। तभी जो पुलिस ऑफिसर है वो कह रहा था, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से हट जाओ। लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो नहीं हटता। तभी जो पुलिस ऑफिसर है अपनी गन से उसकी तरफ हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन करता नहीं है। तभी हम देख पाते हैं वो पुलिस ऑफिसर से बताने लगते हैं, हमसे उलझो मत, हम बहुत ही एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तभी जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहते हैं, अच्छा ऐसा क्या, तो देखते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो पुलिस ऑफिसर है वो गोली चला देता है प्रोटैगनिस्ट के ऊपर, लेकिन अपनी प्रोटैगनिस्ट जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करके बच गया होता है। तभी ये देख के जो पुलिस ऑफिसर था वो गुस्से में आ जाता है और अपनी ट्रक में से एक मशीन को निकाल लेता है हमारे प्रोटैगनिस्ट से लड़ने के लिए। तभी जो मशीन है हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जो हमारे प्रोटैगनिस्ट से कुछ नहीं होता। ये देख के जो पुलिस ऑफिसर था कह रहा होता है, तुम क्या हो। तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा था, तुम लोग जस्टिस की बात करते हो लेकिन तुम मेरे जैसे एक विलेन को भी नहीं हरा पाए, हंसने लगता है। वैसे भी तुम लोग तो मुझसे भी एक बड़े विलेन लगते हो, मुझे लगता है मुझे तुम लोगों को मार देना चाहिए, हंसने लगता है। तभी हम देख पाते हैं जो पुलिस ऑफिसर वो कह रहे होते, तुम हमको विलेन मत कहो तुम्हारे जैसे। तभी जो पुलिस ऑफिसर है वो मशीन का इस्तेमाल करके हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उससे भी बच जाता है, जिस वजह से जो हमारा पुलिस ऑफिसर था अपना सबसे पावरफुल हमला हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर कर देता है, लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उससे बच जाता है और अपनी जो एबिलिटी है उसे इस्तेमाल करते हुए जो मशीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट का पावर वो लड़की देख रही होती जो बंधी हुई थी, वो अब निकल चुकी थी हमारे प्रोटैगनिस्ट के हमला करने की वजह से, और कह रही होती है क्या पावर है, उसने अकेले इन सबको हरा दिया। तभी हम देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट ने मशीन को डिस्ट्रॉय किया होता है उसमें से एक लड़की निकलती है। ये देख के जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है, ये तो मर गई है, क्या वो एक डेड बॉडी को इस्तेमाल कर रहे थे इस मशीन को चलाने के लिए।
तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे पुलिस आ चुकी होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और जो बॉडी थी जिन बॉडी उसे सीज कर लेती है। और इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलता है वही लड़की होती है जो हमने पहले देखा था, जो रिवर्स से जो ब्रिज के ऊपर से कूद गई थी अपनी जान देने के लिए, लेकिन असल में वो मार दी गई थी उन लोगों के द्वारा। उसकी बॉडी को इस्तेमाल किया गया होता है इस मशीन को चलाने के लिए। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा एक्सेलेटर है वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर था वो उनका आदमी था, वो एक नकली पुलिस था, वो बात कर रहे होते हैं वो कैसे नाकाम हो गए उस लड़की को ले आने में। तभी वो बताने लगता है सब कुछ। तभी जो उनका जो लीडर था, तभी उन अलायंस का एक लीडर कह रहा होता है लगता है तुम्हारा बहुत ही बुरा लक था जो कि तुम उस लड़की को ले आए लेकिन नहीं आ पाए और तुमने एक्सेलेटर से मिला और उससे लड़ाई भी की, वो तो लेवल 5 का एस्पर है, लगता है तुम्हारा सच में बैड लक था। वैसे भी तुम तो वैसे भी मरने वाले हो क्योंकि तुमने मिशन को वैसे भी फेल कर दे। ऐसे उनके जो पुलिस ऑफिसर था जिसने एक्टिंग कर रहा था पुलिस की वो डर जाता है, आप मुझे नहीं मार सकते कहने लगता है, मैंने आपका साथ दिया। तभी हम देख पाते हैं वो कह रहा होता है वैसे भी हम कोई क्रू नहीं छोड़ता, तुम्हें वैसे भी मरना ही होगा। तभी हम देख पाते हैं हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है एक्सेलरेटर वो हॉस्पिटल में आ चुका होता है। तभी जो मिकासा है वो नींद से उठ जाती है और उसे बोलती है रुक जाओ और उसे पूछने लगती है तुम कहाँ पे गए थे। तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो बोल रहा होता है मैं तो बस एक कॉफ़ी लेने के लिए गया था। तभी जो मिकासा थी वो बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना इतनी भी कॉफ़ी मत पिया करो, तुम्हारे हेल्थ में वो इफ़ेक्ट करता है। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसे कहता है तुम अपने कमरे में जाओ। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो भी अपने कमरे में चला जाता है और उसी कमरे में हम देख पाते हैं वही लड़की को जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को देख के कह रही होती है, देख के बोलती है शुक्रिया कि मेरी मदद करने के लिए और अपना नाम भी बताती है उसे एस्थर। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसे पकड़ लेता है अपनी पावर की मदद से, लेकिन जो फीमेल थी एस्टर थी वो कह रही होती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए फिर से एक बार प्लीज़ मेरी मदद करो, लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है मैं कोई वैसा भी अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं एक बुरा आदमी हूँ, मैं तुम्हारी क्यों मदद करूँ। तभी हम देख पाते हैं जो एस्टर थी वो कह रही होती है मुझे पता है तुम एक बुरे आदमी नहीं हो क्योंकि तुम्हारी आँखें ही सब कुछ बता रही है। ये सुनकर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है क्या मेरी आँखें बता रही है मैं एक अच्छा आदमी हूँ, लगता है तुम्हें मारना होगा मैं साबित करने के लिए मैं एक बुरा आदमी हूँ। तभी जो लड़की वो कहती है तो ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसे छोड़ देता है। तभी वो लड़की कह रही होती है प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है मान जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट वो कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना बुरा आदमी हूँ, मैं असल में एक विलेन हूँ, मैं तुम्हें विलेन का स्टाइल बताता हूँ चलो। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड 2 है वो भी ख़त्म होता है। दोस्तों अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियो के जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूल जाना दोस्तों।